ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य 4/10/2023 के हम सुनेंगे बाबा ने क्या कहा। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर दिया, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सत्ययुग में गर्भ जेल होता नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जीते जी बाप को याद कर बरसे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। मुरली का वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इसका विस्तार है, योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया, यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रहे, सदा श्री मत पर चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।